ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चू बच्चू, अरे बाबा क्या हुआ, बाबा क्या हुआ मेरी गाँव को? गाँव कौन सी गाँव? अरे बाबा मेरी गाँव बीमार है ना। कोई ख्वाब देखा है क्या बच्चू? हाँ बाबा शायद मैंने कोई ख्वाब देखा। बाबा ये सुबह सुबह जानी किसकी शादी के लिए प्रैक्टिस कर रहा है डांस की? पता नहीं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, चलो चल के देखते हैं। ये देखो बाबा नाच नाच के थक के सो गया है। देखिए बच्चू, ये म्यूजिक की आवाज तो पड़ोस से आ रही है। हाँ बाबा, अगर आवाज पड़ोस से आ रही है तो ये क्यों नाच रहा था? बच्चू भाई नाच कौन रहा है, फजर के बाद कुछ थोड़ा सुकून आया था, सो गया था, बस उसके बाद से जो गाने चलना शुरू हुए ना बजे जा रहे। अरे बाबा ये कौन है बाबा जो इतवार के दिन सुबह सुबह गाने चला रहा है? सुबह सुबह इंसान इबादत करता है, अल्लाह का नाम लेता है, और ये लोग गाने चला रहे हैं। मैडम हो सकता है किसी की शादी हो रही हो। अरे बाबा शादी है तो इसका मतलब है सारे पड़ोसियों को तंग करेगा क्या? अरे भला क्या है, इतनी दूर से टीवी क्यों लगा है, इतनी ऊंची आवाज में अभी। अरे टीवी कौन देख रहा है, पड़ोस से आवाज आ रही है तो भला जाके बंद कराओ ना। सही का बहुत हो गया, मैं यूं गया और यूं म्यूजिक बंद करा के आया। अदा देखना कहीं जानी पड़ोसियों की पिटाई न लगा दे। अरे बाबा क्या खाक पिटाई लगाएगा बाबा, पिट के आ सकता है ये। अरे जाने क्या आवाज, तुमने म्यूजिक क्यों नहीं बंद कराया? आवाज ही नहीं आ रही बार, तो कोई गलत फहमी हो गई आप लोगों को, मैं तो सोने जा रहा हूँ, आप लोग भी सो जाएं। मसला क्या है? अरे बाबा क्या मसला होना है, डर गया होगा बाबा, मैं जाके अभी बंद करा के आया 2 मिनट। बच्चों ज्यादा झगड़ा मत कर लेना। अरे नहीं नहीं भाजाई, अदा तो बंद करा के ही आएगा, गांव का भी बंद करा के ही आते थे। क्या मतलब, गांव में भी इतनी तेज आवाज़ में म्यूजिक चलता था? अरे नहीं नहीं बाबा, वो दरवाजा जाम हो जाता था ना बड़े का, तो किसी से बंद नहीं होता था, अदा साईं खुद ही बंद करके आ जाते थे। तौबा, अरे क्या हुआ बच्चों, म्यूजिक क्यों नहीं बंद कराया? अरे बाबा म्यूजिक बज ही कहाँ रहा है बाबा, तुम दोनों के कान बज रहे हैं। वो जानी बिल्कुल ठीक कह रहा था बाबा, मैं भी सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने बाबा। अरे आखिर मसला क्या है? हाँ बाबा मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, इतना शोर हो रहा है और भला इन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा। मैं खुद जाके देखती हूँ, मैं बंद करा के आती हूँ। अरे बजे किधर जा रही है, पेंट शर्ट में अदा? अरे खोलो भी, देखो मैं कौन है। जी फरमाइए। जी वो मैं एड्रेस पूछने आई थी। तो पूछो। लेकिन वो मैं भूल गई। भूल गई? अरे क्या हो गया, मुझे क्यों तंग करने आ रहे हो सुबह से? सब कभी कोई गूंगा चला आता है, कभी कोई फकीर चला आता है, और अब तुम मुंह उठा के आ गई, पता पूछने आई थी। गया से? जी जी। गूंगा फकीर, ये तो कोई खतरनाक आदमी मालूम होता है, भाग ले सीमा। भाभी इतनी परेशानी में कहाँ जा रही हैं आप? अब भागने नहीं, नहीं मैं तो जॉगिंग करने के लिए निकली थी घर से।
जॉगिंग, वो भी घर के कपड़ों में। हाँ तो क्या, जॉगिंग शादी के कपड़ों में थोड़ी करूंगी, घरारे शरारे में थोड़ी होती है जॉगिंग। नहीं, मेरा मतलब था कि। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, तुम लोग बताओ घर में सब ठीक है ना? जी भाभी सब ठीक है, बच्चों कहाँ हैं? बच्चों ने कहाँ जाना है, जहाँ छोड़े वहीं मिल जाएगा। अच्छा खैर, तुम लोग जब भी घर आओ ना, चाय जरूर पी के जाना, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, रास्ता दो। अरे बाबा जानी, चाय ले आओ बाबा। ले जी। बाबा ये क्या तरीका है? बच्चू भाई असल में रात को सो नहीं सका, बहुत मच्छर थे। हाँ बाबा, मेरे भी कमरे में बहुत कट मलते बाबा, बहुत कट है। हाँ वो मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी, मेरी तो खुद नींद पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों नहीं बोलते हो कि इस म्यूजिक की वजह से सारी रात नहीं सो पाए? नहीं नहीं जरीना, कोई म्यूजिक था ही नहीं, ये दोनों बिल्कुल सच बोल रहे थे। अरे देखो फिर से शुरू हो गया। अरे बाबा जानी तुम्हें कितनी बार कहा खामोश रहा करो, फिर शुरू हो गए तुम। खामोश बाबा, देखो जरीना मैंने उसे खामोश करा दिया है। तो जानी तो बेचारा खामोश है, मैं उस शोर की म्यूजिक की बात कर रही हूँ। जरीना कोई म्यूजिक बज ही नहीं रहा, तुम्हें वहम हो रहा है। अरे बाबा मैंने तो सोचा था कि नाश्ता करके सो जाऊंगी, मगर फिर से ये शोर। जरीना तुम्हारे कान बज रहे होंगे। मेरे कान बज रहे क्या मतलब है कि मेरे कान खराब हो गए? इसका मतलब है कि मैं डॉक्टर को दिखा के आते पड़ोस में जो साथ ही मेरे दिमाग का भी डॉक्टर, उसको भी दिखा दे। जानी बदल कर जा। वैसे तुम दोनों में से फकीर कौन बना था? अरे बाबा मैं तो गूंगा बना था बाबा, अपना झूठ बोलने में भी स्टैंडर्ड है। बच्चू भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं घबराहट में फकीर बन गया। अरे कुछ नोट किया बच्चू? अब म्यूजिक बंद हो गया? हाँ पापा, कैसे बंद हुआ है? अरे पापा उधर, अरे यदि फोन भी यहीं छोड़ गई है अपना। चलो चलो पापा, चलो चलो चलो। अरे बाबा जानी, तुम्हें कुछ समझ में आया बाबा? इस लेवल का मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बाबा देखो, जरीना का जाना समझ में आया बाबा, म्यूजिक की आवाज बंद हुई वो भी समझ में आई बाबा, लेकिन जरीना का मुस्कुराना समझ में नहीं आया बाबा। अरे आप लोग कैसे? दरवाजे से। दरवाजा किसने खोला? और कोई इजाजत होती है, कोई घंटी होती है, इस तरह आ गए? कब से गानों की आवाजें आ रही हैं आपके घर से? कोई खलाकियात नाम की चीज है आपके पास? अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये आवाज हमारे घर से नहीं, बराबर वाले घर से आ रही है। बस करो सीमा, ज्यादा वजाहतें देने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले में सब शरीफ लोग रहते हैं। अरे तो क्या हम लोग बदमाश हैं? नहीं जाहिल हैं, जानते हैं सब। अगर अब तुम्हारे घर से म्यूजिक की आवाज आई ना, तो हम पुलिस बुला लेंगे। अरे इतनी देर से आप टटर किए जा रही हैं, कह रही है मैडम कि इस घर से आवाज म्यूजिक की नहीं आ रही, बोले जा रही हैं आप, जाएं यहाँ से। चुप कर जाहिल गवार, आधे कपड़े पहनकर घूमता रहता है पूरे मोहल्ले में। हाँ नाराज हो गई चुई। अरे बाबा इनको छोड़ो, जरीना का सोचो बाबा, वो क्यों मुस्कुरा रही थी? हाँ सोचने वाली बात तो है वैसे। एक काम करें आप लोग सोचे, मैं जब तक चाय पी के आता हूँ। अरे बाबा ये फिर शुरू हो गया है। अरे बाबा ये दूसरी आवाज किसकी है? आए बच्चों ये लोग भी शुरू हो गए। हाँ बाबा, लेकिन ये लव सॉन्ग की अंताक्षरी कौन खेल रहा है? बच्चों ये तो दो अलग अलग जगह की आवाजें लग रही हैं। हाँ बाबा मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अल्लाह, एक मुसीबत से जान छूटी नहीं थी कि दूसरे भी आ गई। चले चल के देखते हैं। हाँ बाबा चलो चल के देख ही सकते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकते ना। देखे तो सही, सोने भी नहीं दे रहे, पहले पूरी रात खराब की इन लोगों ने। अरे बच्चों ये आवाज तो हमारे ही घर से आ रही है। पर बाबा बहुत करीब से आ रही है। हाँ लेकिन ये आ कहाँ से रही है? ये आपके बहन के कमरे से आवाज आ रही है। ये क्या हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, सुबह से वो पड़ोस से पहले लव सॉन्ग चलता है, उसका जवाब फिर यहाँ से जाता है, फिर वहाँ से गाना चलता है, फिर इसका जवाब यहाँ से, ये हो रहा है। मगर बाबा जरीना को यही टाइम मिला अंताक्षरी खेलने का। अंताक्षरी नहीं खेला जा रहा, ये कोई और ही गेम खेला जा रहा है। हाँ
ये क्या मतलब? मेरा मतलब है आपकी बहन का कोई चक्कर चल रहा है। याद है सुबह कैसी हंसती मुस्कुराती आई थी और अब ये प्यार भरे गाने। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। खबरदार जानी, तुम मेरी बहन पर कीचड़ उछाल रहे हो। कीचड़ की बाल्टी नहाने के लिए खुद अपने साथ लाइए, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले जाके उससे तो पूछो। अच्छा, मैं जाता हूँ। अरे बाबा रुको, मैं जाता हूँ। क्या बच्चा? बाबा मेरी बहन है, मैं पता करता हूँ मामला क्या है। हाँ आप ही पूछ रहे बच्चों, लेकिन पूछ रहे। हाँ वो तो बच्चों की बहन है ना। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। चंद्र जो टुकड़ो लगे तो अजी तक तू, अजी तक तू। चंद्र जो टुकड़ो लगे तो अजी तक तू, अजी तक तू। अरे बाबा सरीना, सरीना बंद करो, क्या हुआ दसाई? अरे बाबा ये किस किस्म के गाने लगाए हैं बाबा, ये बंद करो बाबा जी। अरे जरीना बंद कर बाबा, बंद कर। हाँ अच्छा अच्छा बाबा, क्या सुन रहा हूँ बाबा जरीना मैं ये? आप सुन रहे थे मेरे बिला वजह बंद करते, अभी दोबारा चलाते चलाते हो। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे बंद ही रहने दो बाबा, इसको सुनने की वजह क्या है ये बताओ। वजह? वजह तो अब तक घर आ जानी चाहिए थी। क्या मतलब है बाबा? आपके सवाल का जवाब आ गया। आ रहा भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पड़ोस वाले अंकल आप? भाई आपका घर तो वो नुक्कड़ पे, नुक्कड़ पे। सही घर में आए। मोहल्ला गलत होगा फिर। ए, ज़्यादा टक टक नहीं कर, जाके जैनी को बोल डीजे आया। डीजे? जैनी? भाई अब तो पक्का हो गया कि आप गलत घर में आए हो, क्योंकि ना यहाँ जैनी रहती है और डीजे को तो हमने बुलाया ही नहीं। अबे वो लड़की जो सुबह मेरे घर आई थी। जरीना की बात कर रहे हैं आप? हाँ जरीना, उसको जाके बोल डीजे बजाओ आया है। डीजे बजाओ? ओ भाई हमने कुछ नहीं बजवाना। अबे नाम है मेरा बगलोल। भाई डिसाइड कर ले, तेरा नाम जो डीजे या बगलोल है, जब तक मैं कपड़े धो के आता हूँ। अबे तुझे ही बजा दूंगा मैं, चल चल अंदर। आओ भाई आओ, आओ। जैनी आपका इंतजार कर रही है। चल, आओ, चल। अरे बाबा जानी जानी, अरे जानी बाबा। हाँ? मैंने वो उस बदमाश की आवाज सुनी है बाबा। हाँ तो वो ड्राइंग रूम में बैठा है ना बाबा, वो अंदर क्या कर रहा है? वो आपकी बहन से मिलने आया हुआ है। अरे बाबा वो जनीना से मिलने आया, तुम्हारी गैरत नहीं है, गवारा किया है? अरे भाई मेरी बहन थोड़ी है जो इज्जत गवारा करती। ये बात भी सही है बाबा, इस घर की मालकन तो है ना वो। आप डिसाइड कर लो, मैडम मालकन है या उनकी नंद मालकन है? बाबा मुझे नहीं पता बाबा, उसको घर से निकालो वरना। वरना क्या? वरना बाबा मैं क्या कर सकता हूँ? अरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा बाबा वो क्या? इधर आओ इधर आओ। बाबा बात तो तुमने काम की बताई है, लेकिन अगर आइडिया पिट गया तो याद रखना फिर सिर्फ अकेला आइडिया नहीं पिटेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई हिम्मत दिखाए, डर डर क्यों रहे? जैसे मैंने कहा वैसे तैयार हूँ, शाबाश। अच्छा बाबा किधर जाना था? यार आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, उधर जाए आप, मैं इधर। मेरा नाम है बच्चू बदमाश। अरे बच्चू बच्चू। अरे बाबा जब डरते हैं ना तो हंसते नहीं है बाबा, रोते। अरे मगर डरो कैसे, आप तो इतने फनी लग रहे हैं। अरे बाबा वो जानी ने ये गेटअप बताया था उसे वो बदमाश को डराने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो हमारे घर में आया हो। वो कौन सा घर में जो अपनी टेंशन ले रहे हैं वैसे। बहुत हंसी आ रही है बाबा। बच्चों बच्चों। हाँ बाबा क्या हुआ, अब हंसी नहीं निकल रही है? अरे अब तो सांस ही बड़ी मुश्किल से आ रही है। वो ये हमारे घर में कैसे आया? अरे बाबा वो जरीना से मिलने आया है। क्या इसकी इतनी हिम्मत और आप यहाँ खड़े? अरे बाबा तो कौन सा जरीना, उससे मिल रही है बाबा। मिल रही है? अरे वो उसके साथ बैठी हुई है। क्या? अच्छा बाबा तो अब क्या करें?
क्या मतलब क्या करें? बच्चू जाए और जाके से भगाए? अरे बाबा वो गन्ने पे बैठी मक्खी है, जो उसको भगा दूं। वो तो मक्खी भी नहीं भागती इतनी आसानी से बाबा, वो तो फिर बदमाश है। अरे बच्चू अब कोशिश तो करें, जाए। अच्छा बाबा जाता हूँ। हाँ हाँ जाए और ज़ीना को इधर भेजे मेरे पास। अच्छा जाए ना जाए। देख रहा है टीवी तो है, लाइव सिनेमा मैं जिंदगी में पहली दफा देख रहा हूँ। बाबा वो क्या कहते हैं वो रिमोट किधर है बाबा? रिमोट? हाँ बाबा वो जिससे इनको रोका हुआ है बाबा, वो क्या कहते हैं पापा? पॉज 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 नहीं, इसको मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। ज़रीना ज़रीना जी 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 जी। अरे बाबा तू यहाँ क्या कर रही है? वो मैं डीजे बजाओ की आंखों में देख रही थी। बाबा डीजे बजाओ ये कैसा नाम है? वो पहले डीजे था जो उसकी बात नहीं मानता था ना, उसके कान के नीचे बजाता था, इसलिए लोगों ने प्यार से मेरा नाम डीजे बचाओ रख दिया। अरे बाबा डीजे बजाओ ये कैसा नाम है, लोग प्यार में नाम रखते है चुन्नू मुन्नू टुन्नू, डीजे बजाओ। ये आपको 3 फीट के बच्चे नजर आ रहे, 6 फीट का बदमाश है भाई। ज़रीना, अरे बाबा सीमा तुम्हें अंदर बुला रही है, जाओ शाबाश। क्या है भला, एक तो जब भी कोई काम का टाइम आता है वो मेरे को बुला लेती है, खुद कोई काम नहीं करती है। अच्छा चलिए ठीक, आप मेरा इंतजार करो ना, मैं आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। लग रहा है ये भाई साहब की कमर में दर्द हो रहा है, है? चुक निकाल दूं इनकी? अरे नहीं नहीं नहीं, किसी दौर में ये बहुत बड़े बदमाश रह चुके हैं, आजकल थोड़े बीमार चल रहे हैं। ओ भाई ओ, स्कूल में अगर किसी बच्चे अच्छे को मार दो ना तो उसको बदमाशी नहीं शरारत कहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अरे बाबा स्कूल में बच्चों को नहीं मारा है बाबा, इस मोहल्ले के ना सारे लोग मुझसे मार खा चुके हैं बाबा। बिल्कुल ठीक कह रहे बाबा, तू मेरी साइड है उन्हीं की साइड है। अच्छा वैसे लगता तो नहीं है साले साहब। साले? अबे नहीं 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 नहीं, अबे सा 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 साले नहीं, सिर्फ साला, चलो होने वाला साला कह लो। अरे बाबा जानी पकड़ के बाबा गले तक आता जा रहा है। एक काम कर, अंदर चले जरा एक बात करनी। हाँ चलो चलो। भाजन जेडे भाई हम जरा अभी आते हैं। अबे आई जे डी नहीं डीजे। हाँ बाबा हाँ हाँ ठीक है, वो जो आप कह रहे हो ना वही वाला बाबा, बैठो हम अभी आते हैं। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बोलो मबला अब तुमको इसे डीजे से क्या प्रॉब्लम शुरू हो गए? देखो ज़रीना वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो भी नहीं तो बोला फिर रह देगा, आखिर में जानी ही रह जाता है। अरे दे 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 दे। जहाँ इसका जी चाह रहा वही इसकी शादी कर दो। अरे बाबा ज़रीना तुम बात को समझ नहीं रही हो। देखें डीजे भाई बड़े अच्छे आदमी और इनके खिलाफ कोई बात मैं सुन नहीं सकता। आप एक काम करें ज़रीना, जाए निकाह की तैयारी पकड़े, मैं देखता हूँ बीच में कौन आता। क्या वाकई सच्ची? अरे जानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है भाजी मैं अभी जाके अपनी शादी की तैयारी करती हूँ। अरे ये सब क्या था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जानी, और बच्चों आपने भी इसे कुछ भी नहीं कहा। अरे बाबा इसने मुझे आंख मार दी थी। आंख मार दी थी? मेरे पास एक प्लान है। बाबा कैसा प्लान है? भाई अभी तो इनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, तो ऐसा करते हैं इधर आइए। बाबा ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, सही बिल्कुल सही, शाबाश शाबाश।
अरे उधर छोड़ के आया था, यहाँ लेटे में, इन्होंने तो अभी से अपना ससुराल समझ लिया इस घर को। अरे बाबा सीडी। अरे डीजे डीजे। अरे बाबा बजाता तो सीडी होगा ना। तुम लोग यहाँ? अरे बाबा जानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं। बच्चू भाई आपका साथी घर है ये। बाबा हमारा घर है अपना। माफ करना यार, मैं जहाँ सोता हूँ ना उसे अपना घर समझ लेता हूँ। अच्छा अच्छा बाबा, हम आपकी और वो जरीना की बात करने और निकाह की बात करने बाबा अंदर गए थे। वाकई? जी जी जी। लेकिन एक मसला है, बच्चू भाई के ताया है, ये रही उनकी फोटो, ये देखे आप। ये जी। ये तो अपनी बरादरी का लग रहा है। ये बाबा वो पुलिस 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 के स्टेशन है ना, उसके पीछे बैक पे कोने में है। हाँ तो देर किस बात की है, चलो जानी चलते हैं। मैं इनको लेके जा रहा हूँ निकाह खान से टाइम सेट करने, आप जब तक जरीना को तैयार कर। ठीक है ठीक है। आइए आइए ठीक है भाई, आइए आइए। हाय हाथ तो आराम से पकड़े भाई। आइए आइए बच्चों क्या हुआ, गए? हाँ बाबा जानी उन्हें बेग साहब के पास लेगी। अब बेग साहब उन्हें ऐसे चित्रहल करेंगे ना बाबा, ये जरीना का नाम भी भूल जाएगा। ये था बाबा जानी का प्लान। वाह वाह जानी, क्या प्लान बनाया है। बच्चों ये जानी कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। हाँ बाबा मैं फोन करता हूँ, एक मिनट सब्र करो। हाँ हेलो बाबा जानी। अरे बाबा किधर रह गए हो बाबा, क्या अस्पताल में? अरे वाह बाबा जानी, आ जाओ। ठीक है। अस्पताल में क्यों? बाबा ये तो मैं पूछने ही भूल गया, अस्पताल में क्यों? आ जाए बाबा, हो सकता है वो डीजे को बेग साहब के साथ मिलके मार आओ बाबा और उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया हो। है ये तो बहुत अच्छी बात है। अदा में कैसे लग रही हो भाजाए? अरे जरीना ये फूलों का हार उतार दे बाबा। हाँ और सफेद कपड़े पहनने की तैयारी शुरू कर दो। क्यों? हाँ बाबा वो डीजे का ना एक्सीडेंट हो गया है बेग साहब से टकरा कर। अरे बाबा जानी ये बहुत अच्छा किया बाबा, उस डीजे को मार कर ना अस्पताल में दाखिल करा दिया तुमने, कमाल कर दिया। ऐसे का मतलब है क्या था, तुमने और जानी ने मेरे को मिलके धोखा दिया है। अरे भाई बेग साहब को मैं अस्पताल में जमा करा के आया हूँ। क्या? और डीजे बार बारात लेके आ गया। बारात? वैसे अदा सही है, बिल्कुल आपका बचपन नहीं लग रहा है। अरे हाँ दी बिल्कुल ठीक कहती है बाबा, बिल्कुल मेरे बचपन जैसा लगता है बाबा, ऐसा लगता है मैं एक बार फिर छोटा हो गया। बच्चू भाई ये ले सिरिलैक। सिरिलैक? रात को सोने से पहले कह रहे थे जब मैं उठूं तो सिरिलैक होना चाहिए। अरे बाबा तुमने तो कहा था कि ये खाने से जान आती है बाबा। इसके बाप का पता तो डायरेक्ट उसके पास चले जाता, इस वक्त कहाँ ढूंढूं मैं। अरे ढूंढना कहाँ है, बाहर बैठा हुआ है। अरे बाबा सीमा मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुना मैंने, अब जो कुछ भी सुनाना है ना वकील के सामने सुनाना। बाबा ये वकील कहाँ से आ गया? मैंने बुलाया। मेरा नाम शकील है। मगर अभी तो आप कह रहे थे मैं वकील हूँ। जी जी मैं वकील हूँ। लेकिन अभी तो आपने बोला कि शकील है। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।